बिलासपुर में जिला बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। शहर के रोड़ा सेक्टर स्थित जिला बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झंडुता क्षेत्र के विधायक जेआर कटवाल ने विशेष रूप से शिरकत की। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्वकर्मा योजना शुरू करने को लेकर बेहतर प्रयास करार दिया। उन्होंने कहा कि ये योजना पिछड़े और वंचित वर्ग के विकास और उत्थान में मील का पत्थर साबित होगा। रोगियों को हॉस्पिटल्स में जाकर फल और मिठाइयां बांटी गई। इसके अलावा जिला स्तर पर आज प्रधानमंत्री जी ने जो कामगारों के लिए विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ भी कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने जिला स्तर पर भी कामगार भाइयों को बहनों को यथासंभव सहायता और खाने की खाद्य सामग्री का वितरण तो किया ही, साथ ही हमने जो प्रधानमंत्री द्वारा जो आज योजना लॉन्च की जा रही है उसके अनुरूप हम भी इन कामगार भाइयों को जो लुहार हैं, सुनार हैं, चर्मकार हैं या कोई कुम्हार हैं, जो अपने हाथों से काम करने वाले व्यक्ति हैं और समाज में उनका योगदान अभूतपूर्व रहता है, हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस बात को आत्मसात करते हुए पार्टी हमेशा गरीबों को, दलितों को और वंचितों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है और यही इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास में एक नई भागीदारी के साथ कोई भी कार्यक्रम शुरू करती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना, आयुष्मान भारत और वन रैंक वन पेंशन जैसे अभूतपूर्व कार्य तो किए हैं। किसान सम्मान योजना जो 6,000 रुपये प्रत्येक किसान को दिया जाता है, इस तरीके की अनूठी योजनाओं की कड़ी में आज ये जो प्रधानमंत्री जी शुरू कर रहे हैं विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसके मुझे बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि इन जातियों को, पिछड़ी जातियों को या पिछड़े वर्गों को या पिछड़े क्षेत्रों में जहां ये कार्य बाहुल्य से होता है वहां अच्छे तरीके से विकास में उनको मेन स्ट्रीम करने में मदद मिलेगी। मैं इस योजना के लिए तो शुभकामनाएं देता हूं, परंतु साथ ही इन वर्गों के भाई बहनों को भी अनुरोध करता हूं कि इस आने वाली योजना का भरपूर लाभ उठाएं। पार्टी इसके लिए हमेशा कृत संकल्प रहेगी। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में रोगियों को फल और मिठाइयां बांटी, तो वहीं विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के अवसर पर कामगारों को खाद्य सामग्री भी बांटी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।